हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? सो आज का दिन, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है थर्सडे और बज रहे हैं 9:15 और मैं जो है सफाइयाँ ही कर रही थी और बीच में अभी मैंने कहा चलो ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, आज ब्लॉग ही स्टार्ट नहीं किया। तो आपको ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मम्मा के उधर के साइड के ब्लॉग भी आपको दिखा रही हूँ राजस्थान में, वो क्या कर रहे हैं, सबसे मिल भी रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं और हम भी इधर का जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो होपफुली आपको पसंद आ रहे होंगे। और अभी सुबह स्टार्ट हो गई है, बस आज क्या बनने वाला है सब्जी में, रोज़ का यही मेरे को टेंशन रहता है क्या बनाऊँ। तो आज क्या बनेगा? आज बनेंगे गोभी के पराठे और उसकी तैयारी शुरू कर दी है हमने। क्या करी है आओ दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए, पापा को काम दे दिया गया है गोभी को कद्दूकस करने का, क्योंकि मैं सफाइयाँ कर लूँगी, इतना ये हो जाएगा, फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो पहले आपने गोभी को, हमारे घर में गोभी कैसे साफ होती है? गर्म पानी से करते। सिर्फ गर्म पानी से साफ नहीं करते, गर्म पानी में कितनी देर के लिए छोड़ी थी आपने? 15-20 मिनट, आधा घंटा ये गोभी जो है पीसेस में काट के पहले नॉर्मल पानी से वॉश करी, उसके बाद पीसेस में इसके ऊपर जो लगा होता है ना कई कई गोभी पे, वो वाला सारा हटाया, फिर गर्म पानी में आधा घंटा के लिए भिगोई और उसके बाद अब जो है सुखाने के बाद अब लेकर आए हैं इसको कद्दूकस करने। इस तरीके से हमारे घर में गोभी धुलती है। आप कैसे धोते हो मुझे ज़रूर बताना। और ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने बेडशीट पे ये क्यों बिछाया हुआ है, ये देखो अब हमारे गद्दे सेट हो गए हैं प्रॉपर। तो ये इसलिए बिछाया हुआ है क्योंकि गोभी जब ग्रेट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उड़ती है इधर उधर, तो मैंने कहा चलो ये अगर जो भी इसमें इकट्ठा हो जाएगा ना, इसी दुपट्टे में इकट्ठा हो जाएगा और ऐसे का ऐसे हम बाहर झाड़ देंगे, तो इसीलिए। तो चलो पापा कर रहे हैं ये और मैं जो है कर लेती हूँ झाड़ू पोछा। लो जी, हमारी गोभी जो है ग्रेट हो गई है, कद्दूकस हो गई है और यहाँ पर मैंने खूब सारा हरा धनिया निकाल के साफ करके धो के रख दिया था। अब इसे काटेंगे इसके अंदर और साथ में डालेंगे हरी मिर्ची, इसके बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा। और अभी आटा भी गूंदना है, करते हैं फटाफट शुरू। लो जी दोस्तों, मैं हो गई हूँ ऑफिस के लिए एकदम रेडी, आप देख सकते हो, और नाश्ता वाश्ता पापा को करा दिया है, खुद भी कर लिया है और अब चलते हैं स्टोर। तो स्टोर जाने लगी थी, जाने से पहले ना मुझे याद आया, कल ना मैंने गाइस एक स्वेटशर्ट ऑर्डर की थी अपने लिए, मतलब ऑर्डर तो मैंने दिवाली से पहले कर दी थी पर रिसीव मुझे वो कल हुई है, तो मैं आपको तो जरूर दिखाऊंगी, आपको तो बताना बनता है ना कि कैसी है, तो दिखाती हूँ आपको। सो ये है वो स्वेटशर्ट गाइज, आप देख सकते हो टीम स्पिरिट नाम का ये ब्रांड है इसकी है और ये मैंने मंगवाई थी आजियो से और ये बहुत ही प्यारी क्वालिटी रिसीव हुई है मुझे। क्रॉप में है थोड़ी सी, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं है और ये इसकी स्लीव्स आएंगी, बहुत ही स्मार्ट। और मैंने कल इसको वेयर करके भी देखा था, मुझे बड़ी सुंदर लगी है, इसको वाइट के साथ, ब्लैक के साथ, ब्लू के साथ, जिसके साथ मर्जी पेयर कर लो, बहुत ही सही है और कलर बहुत प्यारा है ये। और थोड़ा छोटा सा जिपर भी है यहाँ पे, तो ये जब मैं पहनूंगी ना आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी, बहुत अच्छी है। आपको अगर चाहिए मुझे बता देना, मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो आप लोगों के साथ ना एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ। देखिए जो डोगी आप देख रहे हो ना इस वीडियो के अंदर, ये डोगी कैसे पूंछ हिला रहा है, मेरा स्टाफ है ये हितेश, ये इसके साथ जो है पूरी मस्ती कर रहा था। एक्चुअली ये हमारे स्टोर के आसपास घूमता रहता है डोगी और इसे ना भूख लगती है तो इस तरीके से आता है, और जब इसे कोई प्यार दे, जब इसे कोई ट्रीट करे ना डोगीज को, स्पेशली एनिमल्स को, तो बहुत ज़्यादा जो है ये लोग अटैच हो जाते हैं बहुत जल्दी। और यही हुआ इस डोगी के साथ भी, देखो कैसे हैंडशेक करेगा अब आपके सामने, ये देखिए बड़े प्यार से इसने हैंडशेक किया और इतनी मस्ती कर रहा था ये। अब इसे लगी थी भूख, अब भूख का तो कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। ये देखो आप इसको, इसका पोज देख के समझ रहे होंगे कितना एंजॉय कर रहा है। फिर हितेश गया शॉप पे सामने इसके लिए कुछ बिस्किट्स लेने और ये महाराज जी पहुँच गए पीछे पीछे, आप देखो साथ ही बैठा हुआ है, इसको ये था कि मेरे लिए ही खाना लेने आया है और मेरे साथ ही वापस जाएगा। और इवन इसने हितेश को फॉलो किया और साथ साथ ही उसके ये क्रॉस करके भी आया रोड को, क्योंकि इसे पता था कि मेरा खाना जो है वो उसके हाथ में है और बड़े प्यार से इसने खाना खाया ये देखो। और इसकी एक खासियत भी है कि इसको नीचे अगर हम लोग रख के देंगे ना बिस्किट, तो ये कभी नहीं खाएगा, इसको हाथ से खिलाना पड़ेगा तब ये खाएगा। तो उसने पैकेट पूरा खिलाया, उसके बाद इसको पानी भी पिलाया और हमें बहुत ज़्यादा दिल से खुशी हुई कि हमने इसको खाना खिलाया। आज भी आया था और ये डेली आता है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है, इधर चाय वाय पी रहे हैं, अभी मैं आपको सबको मिलवाती हूँ और बैठे हुए चाय के बाद चर्चा चल रही है चाय की, तो बस सबसे मिलवाती हूँ आपको, सबसे गुड मॉर्निंग भी करवाती हूँ और आज का जो भी रूटीन होगा फिर मैं आपको बताऊँगी, बस अभी तो चाय पिए और आइए मिलवाती हूँ मैं आपको। ये मेरी बहन की लड़कियों से, हेलो हेलो, कहाँ से आए हो आप?
डबली से ये इनकी बेटियां हैं। इनसे तो आप पहले मिल ही चुके हो, तो अभी हमने इनके लिए बनाया है ढोकला। कैसा लगा आपको? अच्छा, वैसे झूठ तो नहीं बोल रहे, सच्ची में? मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा वैसे। ये तू खाती नहीं ना? ये तो खाती है। चलो सारे टेस्ट करो, अभी टेस्ट करके अच्छी तरह फिर चाय बन रही है, चाय के साथ खाना। लस्सी भी लेना चाहिए? लस्सी भी लेके आयो। ये है इनकी छोटी सी गुड़िया रानी। हेलो हेलो हेलो। अभी नहीं क्या मेरे को पता, अभी नहीं मेरे को पता। किसी ना किसी को बिठा लेते हैं। कल हमने बिठाया था काजू बादाम वाले को, ड्राई फ्रूट वाले को, आज बिठाया हमने शोल वाले को। पतली नहीं, अच्छी लग रही है वैसे, लाइट कलर है ना। कितने की है भैया ये वाली? बाबा जी ये कितने की है? हाँ अच्छा, मक्खी है। हाँ जी, तूने लेनी है क्या? ले ले। मैंने मना किया? नहीं, आपने तो छांट ले, इतना कोई वो नहीं है। नहीं वैसे नहीं, हम वहाँ पे आते हैं ना ले। तो वही तो कह रहे हैं। यही है, दो तीन तीन पीस। ए रुकमण ले ले। मिठी बोली। एक ये रुकमण है, तूने नहीं लेनी? ले जा, गुजरात में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। बिल्कुल नहीं पड़ती, पाला पड़ता है, पाला पड़ता है वहाँ पे, नहीं पड़ता गर्मी। चलो तो ये हमारे को मिलने आई है बड़ी दूर से, कह रहे मासियां तो आती नहीं, हम ही मिलने चले जाए। हैं सही लगा? कोई नहीं, एक ही बात है, हम एक आते, तुम एक अकेली आई हो तो सबको मिल जाओगे। हम सारे जाते हैं, बच्चों को छोड़ के आए, आप भी ना बच्चों से आती। तो चलो देखते हैं गाइस कौन सी पसंद आती है, कौन सी लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। सो लो जी फ्रेंड्स, मैं घर आ गई और घर आने के बाद मैंने चेंज भी कर लिया, खाना भी खा लिया, पापा को भी खिला दिया है। एक्चुअली उन्हें भूख लगी थी, मुझे आते आते ना 9:30 हो गए थे। आज वही मुझे लेकर आए थे क्योंकि एक्टिवा ना पापा के पास ही थी, तो शाम को मुझे लेने गए थे, तो आते आते 9:30 हो गए। उनको भूख भी लगी थी क्योंकि लेट बहुत हो जाता ना। अब मम्मा होते हैं तो मम्मा तो टाइम से खाना हम लोग बना लेते हैं, कई बार लेट भी हो जाता है, कई बार टाइम से भी खा लेते हैं। तो बस फिर मैंने फटाफट से खाना बनाया, उनको भी खिलाया, खुद भी खाया। और देखो मेरी बेवकूफ़ी देखो गाइस, ये जो पीछे आप देख रहे हो ना चार्ज, यहाँ पे ना पापा ने प्लग लगवाया है ये वाला, तो यहाँ से तो ऑन है। आते ही मैंने फ़ोन लगाया चार्ज पे, मैंने सोचा कि चलो आधा घंटा है, 9:30 बज रहे हैं अभी, कि फ़ोन चार्ज हो जाएगा। और थोड़ी चार्जिंग इसकी कम थी, और जहाँ से मेन स्विच है ना वो ऑन ही नहीं किया। मतलब देखो, मतलब ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ से तो ऑन था, वहाँ से भी ऑन करना ज़रूरी था। मैं दिखाती हूँ आपको, इसका जो स्विच है ना, ये वाला स्विच है इसका, ये मैंने ऑन ही नहीं देखा, और वो मुझे लगा चार्ज हो रहा, हुआ ही नहीं। और ये मैंने ऑल आउट लगा दी है, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है गाइस, क्योंकि देखो हमारा ना ये वाला जो गेट है ना, बाहर से हमने लॉक कर दिया है। ये जो गेट है ये बंद रहता है, इधर से भी बंद रहता है, लेकिन इतने मच्छर आ जाते हैं ना पता नहीं कैसे, जैसे ही गेट हम खोल के बाहर जाते हैं वॉशरूम वगैरह के लिए, मच्छर आतंक मचा देते हैं रात को, और कान में ना पूरे सुर संगीत चल रहे होते हैं, तो ना मज़ा नहीं आता। मतलब नींद में भी डिस्टर्ब होती है, नींद आती ही नहीं है मुझे तो, ऐसे मच्छरों के साथ मैं तो नहीं सो सकती, मुझे तो बड़ा वो लगता है जब तक। और इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना इस वाले ऑल आउट की, तो मैं क्या करती हूँ बेसिकली इसे दूर ही लगाती हूँ। देखो मेरे बेड से बहुत दूर है ये, यहाँ पे भी मेरे इसके साथ इसकी बैक साइड पे भी एक स्विच है जहाँ पे हम फ़ोन चार्ज लगाते थे, लेकिन मैंने उसमें नहीं लगाया गाइस, क्योंकि मुझे चढ़ती है ये वाली स्मेल ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी। तो एनीवेज चलो लगा दिया है, तो थोड़ी देर में इफेक्ट आ ही जाएगा। और एक मेरा जो पार्सल है ना वो आज रिसीव हुआ है अमेजोन से, मैंने ना कुछ ऑर्डर किया था, दो तीन चीज़ें हैं, जैसे जैसे आएंगी आपको दिखाती जाऊँगी। कुछ सोच रही हूँ मैं इस कमरे के लिए, क्या सोच रही हूँ वो तो जब आएगी वो तभी बताऊँगी, पहले देखते हैं इसमें क्या आया है। तो आ गई है मेरी मेबलिन की लिपस्टिक, जो मैंने मंगवाई थी मैट इंक में, सुपर स्टे, काफ़ी अच्छा स्टे रहता है ये वाली लिपस्टिक्स ना। पहले बहुत यूज़ करी है मेबलिन की, ये वाली बहुत टाइम के बाद ट्राई करी, और जो शेड है ना गाइज इसका वो है 245, यस 245 शेड है इसका। तो मैं ना इसका स्वॉच आपको देती हूँ कैसा है, और लग तो बड़ी अच्छी रही है, बाकी देखते हैं लगाने के बाद कैसी लगेगी। इस शेड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आया, देखो वाओ, ग्लॉसी फिनिश है,
मैट भी है, ट्रांसफर प्रूफ है, सबसे बड़ी बात ट्रांसफर प्रूफ है। मेबलिन की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है क्वालिटी में, देखो शेड बहुत ही प्यारा है, मतलब कि कलर पे अगर आपका फेयर टू मीडियम टू फेयर आपका कलर स्किन टोन है ना, तो आपको डेफिनेटली सूट करेगी। मैं इसे कल जब लगाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। तो इसी के साथ गाइज अब मेरी आंखें होने लगी है बंद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। रूटीन जो है अभी थोड़ा सा बहुत हेक्टिक चल रहा है हमारे, जो जहाँ पे मैं काम करती हूँ, जिस स्टोर में मैं काम करती हूँ, वहाँ पे भी ना अभी सेल आ गई है, और सेल की वजह से वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। और घर पे तो आपको पता ही है रूटीन क्या चल रहा है, आपको शेयर करती हूँ मैं। तो बस इसी के साथ ना मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ। होपफुली आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, कुछ भी अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।